जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग चल रही है, इसी बीच चांदनी चौक लोकसभा सीट पर से एक गंभीर मामला सामने आया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग चल रही है, भारी गर्मी के चलते धीमी वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 34% वोट हो चुका। इसी बीच चांदनी चौक लोकसभा सीट पर एक गंभीर मामला सामने आया। इस खबर की जानकारी चांदनी चौक से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के बेटे एवं इलेक्शन एजेंट मुदित अग्रवाल के मुतलिक आई है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर पोलिंग स्टेशन नंबर 79 दिल्ली गेट रैन बसेरा मटिया महल में पुलिस मनमानी कर रही है। जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे एवं इलेक्शन एजेंट मुदित अग्रवाल के साथ बदतमीजी हुई है। चांदनी महल थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने मुदित अग्रवाल का चुनावी एजेंट का पर्चा फाड़ दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन के पास भाजपा प्रत्याशी की लगी टेबलों पर सरेआम चुनाव आयोग के दिशा निर्देश व नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस मुख दर्शक बनी सब देखती रही। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों में चुनाव कर्मियों व पुलिस की मिलीभगत से मतदान कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। चिल्लाती धूप व भीषण गर्मी में दो दो ढाई ढाई घंटे से लाइन में खड़े अपना वोट डालने की बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सब सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर चल रहा है। उन्हें पता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उनकी हार पक्की है। ये सारी बातें जेपी अग्रवाल की ओर से कही जा रही है। उनका कहना है कि भाजपा प्रत्याशी की मंशा है कि किसी भी तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मतदान न होने दिया जाए। ठीक हुआ, उसके बाद बैलेट यूनिट खराब, इंजीनियर भागने लगा। मैंने कहा भाई क्यों रहा है, बैलेट यूनिट ठीक करके जा। बड़ी मुश्किल से बैलेट यूनिट ठीक करा। जब वो ठीक हुआ तो पुलिस की बफलाहट बढ़ गई, अंदर आके मुझे पकड़ने लगे, कहते आप पोलिंग बूथ से बाहर जाइए। सबको रूल पता है, जो इलेक्शन एजेंट होता है कैंडिडेट का वो बूथ में जा सकता है, ये रूल है। उनको इतनी बफलाहट हुई, जब ठीक हुआ उन्होंने मेरे को पकड़ा, कहते चल तेरे को थाने ले जाता हूँ। मैंने कहा आप मेरे को मना नहीं कर सकते अंदर जाने के, मैंने उसको फॉर्म दिखाया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।